हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फागुन माह की द्वितीय तिथि को फुलेरा द्वज के रूप में मनाया जाता है। इस पर फुलेरा द्वज 15 मार्च सोमवार को मनाई जाएगी। यह दिन होली के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन से होली के त्यौहार की, होली के पर्व की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। इस दिन से उत्तर भारत के गांव में जिस स्थान पर होली रखी जाती है, वहां पर प्रतीकात्मक रूप में उपले या फिर लकड़ी रख दी जाती है। कई जगहों पर इस दिन को उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस दिन से लोग होली में चढ़ाने के लिए गोबर की गुलरियां भी बनाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी फुलेरा द्वज की शुभ मुहूर्त, महत्व और भगवान श्री कृष्ण की नगरी में फुलेरा द्वज का महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फुलेरा द्वज का महत्व। दोस्तों, फागुन माह में फुलेरा द्वज का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी मानते हैं। फुलेरा द्वज को मांगलिक कार्यों को करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि फुलेरा द्वज के दिन किसी भी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे कोई भी मतलब काम हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो या शादी से संबंधित कार्य हो, किसी भी मुहूर्त में शादी संपन्न की जा सकती है, मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन उत्तर भारत में भगवान कृष्ण और राधा को फूलों से श्रृंगार करके उनका पूजन किया जाता है। इस दिन से लेकर लोग होली के दिन तक अपने घरों में शाम के समय प्रतिदिन गुलाल और आटे से रंगोलियां भी बनाते हैं। आइए अब जानते हैं फुलेरा द्वज की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। फुलेरा द्वज 14 मार्च शाम के 5:06 पर शुरू होगी और फागुन मास की फुलेरा द्वज 15 मार्च शाम के 6:49 पर समाप्त होगी। आइए अब जानते हैं कि गुलरियां क्या होती हैं। गुलरियां गोबर से बनाई जाती हैं। इन्हें बनाने का कार्य फुलेरा द्वज से ही शुरू कर दिया जाता है। इसमें महिलाएं गोबर के छोटे छोटे गोले बनाकर उसमें उंगली से बीच में सुराख बना देती हैं। सूख जाने के बाद इन गुलरियों की 5 या 7 मालाएं बना ली जाती हैं और होलिका दहन के दिन इन गुलरियों को होली की अग्नि में चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, ब्रज और वृंदावन में, मथुरा में यह उत्सव बहुत ही खास मनाया जाता है। जी हाँ, फुलेरा द्वज के दिन ब्रज और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम देखने को मिलती है। इस दिन मथुरा, वृंदावन और ब्रज के मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। इसके साथ ही फूलों की होली भी खेली जाती है। मुझे तो दोस्तों फूलों की होली बहुत पसंद है, क्या आपको भी पसंद है? फूलों की होली मतलब फुलेरा द्वज के दिन से ही ब्रज में, मथुरा में, वृंदावन में शुरू हो जाती है। मंदिरों में भगवान कृष्ण के होली के भजन गाए जाते हैं और हर तरफ गुलाल और फूलों से वातावरण सराबोर हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको फुलेरा द्वज पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए ये बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि फुलेरा द्वज पर क्या करना चाहिए। फुलेरा द्वज पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन राधे कृष्ण की पूजा अवश्य करें। इसके अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को गुलाल, जी हाँ,
गुलाल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि इसी दिन से होली प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण को रंग बिरंगे फूल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से हमारे प्रेम में वृद्धि हो जाती है और भगवान श्री हरि की कृपा से, राधे कृष्ण की कृपा से हमारे प्रेम में वृद्धि होती है। राधे कृष्ण के मंदिर में जाकर इस दिन दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से इस दिन सबसे ज़्यादा मतलब शुभ माना जाता है। तो ऐसा करने से भगवान श्री हरि की, राधे कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। फुलेरा दूज के दिन दोस्तों राधा जी को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य अर्पित करें और उनमें से कोई एक चीज़ अपने पास संभाल कर रखें। ऐसा करने से अगर आपके विवाह में कोई बाधाएं आ रही हैं तो वह विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, विवाह जल्दी हो जाता है। और जिन लोगों का विवाह हो चुका है और उनके वैवाहिक जीवन उनका सुखी नहीं है, तो राधा जी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों यह दिन यानी कि फुलेरा दूज विवाह के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए यदि आप चाहें तो इस दिन विवाह बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं। और यदि आप रिश्ता पक्का करना चाहते हैं तो भी ये दिन काफ़ी उपयुक्त है। इसके अलावा फुलेरा दूज के दिन सभी शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। यदि आप कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य इस दिन शुरू करना चाहते हैं तो ये दिन काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा फुलेरा दूज के दिन यदि आप गाय को भोजन कराते हैं तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसा करने से सभी कष्ट समाप्त होते हैं, क्योंकि गायें भगवान राधे कृष्णा को बहुत प्रिय हैं। इसके अलावा दोस्तों फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ये अत्यंत विशेष माना जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को सफ़ेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फुलेरा दूज का दिन प्यार का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन अपने प्रेमी के साथ जाकर या अपने, अगर आपका विवाह हो चुका है तो अपने पति के साथ मंदिर जाएं और राधा कृष्ण के दर्शन जरूर करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और मनचाहे जो अविवाहित हैं उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। फुलेरा दूज के दिन राधे कृष्ण के मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें और राधे कृष्ण को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और फुलेरा दूज की कथा का श्रवण करना चाहिए। फुलेरा दूज की कथा जरूर पढ़ें या सुने। मैं फुलेरा दूज पर कथा जरूर बनाऊंगी, आप उसे भी जरूर देखिएगा। आइए अब जानते हैं कि फुलेरा दूज पर क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों फुलेरा दूज के दिन भूल कर भी किसी का अपमान ना करें, विशेषकर अपने प्रेमी का अपमान तो या अपने पति का, अपने पत्नी का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी भी मतलब किसी भी जो भी हमसे प्यार करते हैं उनका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में कभी भी फिर प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। इसके अलावा इस दिन किसी भी प्रकार से अपने घर के बड़े सदस्यों का अपमान भूल कर भी ना करें, नहीं तो इसके अशुभ परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन गुलाल राधा कृष्ण को अर्पित किया जाता है, इसलिए गुलाल को अपने पैरों में इस दिन भूल कर भी ना आने दें। इसके अलावा फुलेरा दूज के दिन किसी की भी निंदा ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस गलती से बचिएगा। यह दिन कृष्ण भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, इसलिए इस दिन किसी भी कृष्ण भक्त का ना तो अपमान करें और ना ही उसे कोई अपशब्द कहें। फुलेरा दूज के दिन भूल कर भी मांसाहार का प्रयोग ना करें, अल्कोहल का प्रयोग ना करें,
नहीं तो आप भगवान श्री कृष्ण के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन शराब का सेवन ना करें, नहीं तो आपको जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फुलेरा दोज के दिन किसी भी जीव जंतु को या जानवर को ना सताएं और उसे मारे भी नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन भर कष्ट भुगतने पड़ेंगे, इसलिए दोस्तों इन गलतियों से बचिएगा। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का होता है, इसलिए इस दिन घर में कला क्लेश भूल कर भी ना करें, घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखें। फुलेरा दोज के दिन अपने जीवन साथी को और अपने प्रेमी को कोई कटु वचन ना कहें, उनसे लड़ाई भूल कर भी ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको फुलेरा दूज की कथा जरूर सुनाऊंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जब इस जानकारी से औरों को लाभ होगा तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। फुलेरा दूज की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।